नमस्कार, मैं उपेंद्र आपका फाइव स्टार किचन में स्वागत करता हूँ। ब्रेड क्रम, जब भी पकौड़े या कुछ भी क्रिस्पी बनाते हैं तो उसमें ब्रेड क्रम जरूर डालते हैं हम लोग, लेकिन ब्रेड क्रम मार्केट से लाना बहुत ही महंगा होता है। तो आज हम आपको सिंपल विधि से बताएंगे कि घर में बचे हुए ब्रेड के किनारों से किस तरह से हम ब्रेड क्रम बनाएंगे। तो इसके लिए हमने सामग्री ली है, 8 से 10 ब्रेड स्लाइस के किनारे हैं ये। तो हमने जो ब्रेड के किनारे थे उसे मिक्सी में भर लिया है। ये जो आखिरी वाला ब्रेड होता है जिसे लोग खाना पसंद नहीं करते हैं, इसे भी हम इसमें तोड़कर डाल देंगे और इसे फिर हम ग्राइंड कर लेंगे। ब्रेड के किनारे को हमने मिक्सी में पीस लिया है। अगर इसे आपको तुरंत यूज करना है तो आप इसे तुरंत यूज में ले सकते हैं, अगर आपको स्टोर करना है तो थोड़ा टाइम इसे तवे पे इस तरह से सेंक लें जिससे इसकी नमी चले जाए। 2 मिनट हो गया है, हमने इसे अच्छी तरह से भून लिया है जिससे इसका नमी भी निकल गई है। अब इसे हम ठंडा होने के बाद में एयर टाइट कंटेनर में इसे रख देंगे। तो लीजिए दोस्तों, ब्रेड के किनारे से ब्रेड क्रम बनकर तैयार है। आप भी जब भी कोई डिश बनाएं तो इसे यूज कर सकते हैं। जब भी आप कोई कुरकुरा टिक्की या कुछ बाइंडिंग के लिए यूज करना हो तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो हमने आपसे रेसिपी शेयर की है, आप भी हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी आप लाइक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है। तो चलिए मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के साथ, कुछ नए टिप्स के साथ। धन्यवाद।